नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और जब आप वीडियोस बनाते हैं तो आपको बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ने पड़ते हैं। इसी दौरान मैं पर्सनली इस बात से कन्विंस हूं कि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के पास पर्याप्त समय था, जहां पे अगर ये व्लादिमीर पुतिन के साथ डायरेक्टली बात करते तो चांसेस काफी हाई था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कभी वॉर शुरू ही नहीं होता। लेकिन आज के डेट में लगभग 25-30% एरियाज यूक्रेन गवा चुका है और ये सब वो एरियाज है जहां से यूक्रेन को सबसे अधिक रेवेन्यू आते थे, यानी कि इंडस्ट्रियल एरियाज। इसी बीच बीते कुछ समय से यूक्रेन ये संकेत भेजना शुरू कर दिया है रशिया को कि वो समर्पण करना चाहता है। लेकिन यूएस कभी भी इतनी आसानी से इस पूरे प्रोसेस को होने नहीं देगा, क्योंकि यूएस ही वो देश है जो यूक्रेन को एज एन प्रॉक्सी इस्तेमाल किया है इस पूरे वॉर में। और ये कंप्लीट तरीके से यूक्रेन का फेल्योर नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का फेल्योर है इस वॉर में। इनका नाम है मिखेल और इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के काफी करीब हैं। इनका एक रीसेंट स्टेटमेंट आता है जहां पे ये कहते हैं कि यूक्रेन रशिया से बात करना चाहता है और इस वॉर को खत्म करना चाहता है, लेकिन फेयर टर्म्स पे। अब यहां से एक जो बात हमें समझनी है वो ये है कि कोई भी देश या कोई भी प्रोविंस जो किसी वॉर को जीत रहा है और अगर सामने वाला राज्य उसको कहता है कि आप इस वॉर को खत्म करें, तो जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो उसी देश के होते हैं जो देश जीत रहा होता है या जो एक एडवांटेजियस पोजीशन पे होता है। तो कहने का मतलब है कि यहां पे यूक्रेन किसी भी तरीके से उस पोजीशन में नहीं है जहां पे वो रशिया को ये कहे कि आप इस वॉर को खत्म कर दे, लेकिन फेयर टर्म्स में। यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इसराइल हो गया, इन सब के द्वारा बढ़ चढ़कर वेपन्स भेजे गए यूक्रेन को और इस वॉर में ऐसा नहीं है कि रशिया को डैमेज नहीं हुआ। रशिया को भी काफी इनिशियली डैमेज हुआ था, लेकिन इस पूरे वॉर में एक जो मोमेंटम शिफ्ट होता है वो होता है 7 अक्टूबर को जब हमास अटैक करता है इसराइल के ऊपर। तो उसके बाद क्या होता है कि यूएस का जो पूरा फोकस होता है वो शिफ्ट हो जाता है इसराइल की तरफ। एज अ रिजल्ट यूक्रेन कंप्लीट तरीके से इस वॉर में अकेला पड़ जाते हैं। हालांकि अभी भी यूएसए बढ़ चढ़कर वेपन्स भेज रहा है, लेकिन उस हिसाब से वेपन्स नहीं भेज रहा है जिस हिसाब से वॉर में जरूरत होता है। और कितनी बार क्या होता है कि अनाउंसमेंट कर देने के बाद 2-2.5 महीने का गैप हो जाता है, या जो अनाउंसमेंट में जो प्रोमिसेस किए जाते हैं वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं होते हैं। और वहीं पर अगर बात किया जाए रशिया के बारे में, तो रशिया के पास वैसे तो बहुत सारे चीज है, लेकिन उनके पास 2 वैसे चीज है जो इस पूरे वॉर में उनके फेवर में रहा। एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, और दूसरा रशिया इन हाउस मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करता है वेपन्स को। तो रशिया को इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा जितना ज्यादा डिपेंडेंट यूक्रेन को होना पड़ा। नो डाउट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं जहां पे रशिया को भी ईरान से वेपन्स या खास करके ड्रोन्स लेने पड़े, और चाइना के बारे में भी कहा जाता है कि उन लोगों ने भी बढ़ चढ़कर रशिया को सपोर्ट किया। लेकिन फिर भी रशिया के पास इतना सफिशियंट वेपन्स थे जिससे कि वो यूक्रेन को हरा सकता था, और हर वो देश पावरफुल है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ये सब कुछ छोटे बड़े पॉइंट्स थे जिसको पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा कि कहीं से भी यूक्रेन उस पोजीशन में नहीं था जहां पे वो रशिया के साथ वॉर में उतर सकता था। और साथ में अगर बात किया जाए रशिया के बारे में, तो रशिया कंप्लीट तरीके से इस वॉर में कमांड करके है और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली यूक्रेन का और भी एरियाज को ले रहा, जिसको देखने के बाद कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और उनके जो क्लोज एसोसिएट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। इसी बीच यूएस में चुनाव होने वाले हैं जहां पे उनके जो बाइडेन स्टेप डाउन कर दिए हैं, कमला हैरिस उनके जगह पे आ गई हैं। तो कहने का मतलब है कि यूएस एज एन कंट्री वो खुद के चुनाव को लेके परेशान है, जिसके वजह से उस तरीके से फोकस नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से यूक्रेन चाहता था। तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम देता है रशिया को जहां पे ये और बढ़ चढ़कर एरियाज को क्लेम करे और हमेशा के लिए कैप्चर कर ले। और साथ में अगर बात किया जाए मिखेल के बारे में, तो इनका एक और रीसेंट स्टेटमेंट था इस स्टेटमेंट के पहले, जहां पे वो व्लादिमीर पुतिन को कह रहे थे कि अगर किसी भी तरीके से व्लादिमीर पुतिन के साथ डील किया जाता है तो वो डील कंप्लीट तरीके से एक डेविल के साथ डील होगा। तो यहां पे समझने वाली बात है वो ये है कि 2.5 साल से आप वॉर में है जहां पे आप हर रोज अपने कुछ ना कुछ एरियाज को खो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है और यूरोपियन यूनियन या यूएस के द्वारा कुछ वेपन्स भेजे जा रहे हैं, आपको लग रहा कि उस वेपन से आप रशिया को हरा देंगे। तो यहां पे भी जो एक लीडरशिप क्राइसिस है वो आपको साफ देखने को मिल रहा है। 2019 में यूक्रेन में चुनाव होता है जिसके बाद प्रेसिडेंट बनते हैं ज़ेलेंस्की। तो अगर आप 2019 से अगर आप कंसिडर करेंगे तो अभी यहां पे 5 साल हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर वॉर नहीं होता तो यूक्रेन में अभी चुनाव होने वाले होते। इसी बीच जो रशिया के द्वारा कहा जा रहा है कि वो कंप्लीट तरीके से ज़ेलेंस्की का जो प्रेजेंस है
एज एन हेड ऑफ स्टेट उसको मानते ही नहीं है और इसके बदले वो किसी और को हेड ऑफ स्टेट मानते हैं और साथ में उनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी को भेजा जाए जिसके साथ बातचीत किया जाए। तो जब आप मूड में नहीं होते हैं नेगोशिएशन करने का तो आप ऐसे ही दाएं बाएं चीजों को सामने लाते हैं और बस अपनी बातों को टाल मटोल करते रहते हैं। साथ में अगर बात किया जाए तो रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स वुमेन मारिया जैकरोफ, इनका कहना है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इस पीस प्रोसेस को शुरू करना चाहते हैं इनका पूरा पीस प्रोसेस पे ही ट्रस्ट नहीं किया जाता है क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज है जो बढ़ चढ़कर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट स्टेटमेंट तो ऐसा ही दे रहे हैं जहां पे सुन के या पढ़ के ये लग सकता है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब तक ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से स्टेटमेंट को रिलीज नहीं किया जाएगा जहां पे यूक्रेन ये ना कहे कि वो किसी भी तरीके से यूएस का या यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट नहीं चाहिए, तब तक ये मानना बेहद मुश्किल है कि इस वॉर को रोका जा सकता है। उसके बाद बेल्जियन टीवी के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है जहां पे बताया गया है कि यूक्रेन के जो वैसे सोल्जर्स हैं जिसको वॉलंटियर कहते हैं या जो टेम्पररी सोल्जर्स होते हैं वो किसी भी तरीके से अब इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि एक रेगुलर आर्मी और एक वॉलंटियर में कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। नॉर्मली भारत में क्या होता है कि जो आर्मी का रिक्रूटमेंट होता है वो काफी अर्ली एज में होता है, तो वो एज काफी परफेक्ट होता है जहां पे आप जो कॉमन बॉय को आप एक सोल्जर में कन्वर्ट करते हैं और उनके अंदर का जो फियर होता है उसको आप निकालते हैं। लेकिन जो वॉलंटियर्स होते हैं वो टेम्पररी बेसिस पे होते हैं, उनका मेन जॉब या मेन ऑक्यूपेशन कुछ और होता है, तो आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो रशिया के सामने जाए और बेखौफ तरीके से वहां पे जाके लड़े। किसी भी प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए कम से कम आपको 5 साल का वक्त चाहिए होता है। इससे कम वक्त में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप एक आदमी को कंप्लीट तरीके से सोल्जर बना दे और उसे उम्मीद करें कि वो रशिया के खिलाफ जाके वॉर लड़े। इसी आर्टिकल को अगर आप और पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो क्रिमिनल्स जो जेल में बंद हैं उनको जबरदस्ती के जेल से निकाल के उनको आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा और वैसे भी लोगों को पकड़ पकड़ के रिक्रूट किया जा रहा जो अपने घर में रह रहे जो किसी और ऑक्यूपेशन में है। तो कहने का मतलब है इन सिंपल कि यूक्रेन उस पोजीशन में नहीं है जहां पे वो रशिया के साथ लड़ सकता है। उनके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि वो ऑफिशियली आके ये डिक्लेयर करे कि वो किसी भी तरीके से यूएसए या यूरोपियन यूनियन से मिलिट्री सपोर्ट नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वो इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।